हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। ब्रेकअप की असली वजह असम को बताते हुए इमोशनल हो गई हिमांशी खुराना, बोली मैं लाश की तरह रही। वेल बताएंगे कि क्या कुछ कहा हिमांशी ने, लेकिन उससे पहले आपको करना होगा फिल्मी बीट को सब्सक्राइब और दबाना होगा घंटे का बटन ताकि आपको मिल सके सारी नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको क्यों इमोशनल हुई हिमांशी खुराना। हिमांशी खुराना के मंगेतर चाव से उनका ब्रेकअप हो गया है और उसकी वजह सामने आई है असम रियाज। असम से उन्होंने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया है। बिग बॉस के घर में असम रियाज का कनेक्शन बनकर वापस आई है हिमांशी खुराना, और घर में आने के बाद हिमांशी ने अपने ब्रेकअप स्टोरी भी असम को बताई है। इस दौरान हिमांशी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। हिमांशी ने असम से बात करते हुए कहा कि शो के बाद मैं एकदम टूट गई थी, मेरी कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी और चाओ मुझसे मिलने भी नहीं आए थे। हिमांशी ने असम को बताया कि वो अकेले हो गई थी और तब चाओ ने भी उनसे बात करना बंद कर दिया था। हिमांशी ने कहा कि मैं लाश की तरह पड़ी हुई थी रूम में, मेरा पागलों वाला हाल हो गया था। हिमांशी ने आगे बताया कि मेरी माँ मुझे लेकर बहुत परेशान थी, मैंने इस रिश्ते को अपना सब कुछ दिया, लेकिन चाओ के परिवार वालों ने एक बार भी मुझे फोन कर मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। मैंने चीजें भी फेंकनी शुरू कर दी थी, चाओ से बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बीच में बार बार तुम्हें लेकर आ जाता था, साथ ही तुम्हें सपोर्ट करने के लिए भी उसने मुझ पर काफी सवाल खड़े कर दिए। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोना नहीं चाहती थी, इसी वजह से मैंने उससे अपना रिश्ता खत्म कर लिया। हिमांशी के शो में जाते ही मंगेतर चाओ से ब्रेकअप की खबरें आने लगी थी, यहाँ तक कि सलमान ने खुद वीकेंड के वार पर असम से इस बात को कहा था। सलमान ने असम से कहा था कि तुम्हारी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हुआ है। हालांकि हिमांशी ने इस बात से इनकार कर दिया है। शो में हिमांशी ब्रेकअप कर आई हैं और असम ने उन्हें प्रपोज कर दिया है। हिमांशी के अलावा घर में देबोलीना भट्टाचार्य जी, विकास गुप्ता, माहिरा शर्मा के भाई कश्मीरा शाह और शहनाज के भाई शाहबाज और शेफाली जरीवाला वापस आ चुके हैं। इन सभी के आने से घर में काफी बदला हुआ सा माहौल दिख रहा है, और इसी बीच बिग बॉस का एक प्रोमो भी आ गया है जिसमें घर वालों के कनेक्शन अब घर का कैप्टन डिसाइड करने वाले हैं। वेल, आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।